हेलो बच्चों, स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम आपसे पहली बार मिल रहे हैं, तो आज से हम ऑनलाइन पढ़ेंगे। जो मैं आपको समझाती जा रही हूँ इधर के पहले चैप्टर में, हमारे पास चैप्टर का नाम है चित्र के संग संग। ये चित्र पाठ है, आपकी किताब में चित्र दिया हुआ है, हमें उसे देखकर अपने मन में क्या क्या प्रश्न आते हैं वो प्रश्न के उत्तर यहाँ पर लिखने हैं कि हमारे मन में चित्र को देखकर क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो चित्र आपकी किताब में है और जो जो क्रियाएं हो रही है चित्र में वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। चित्र में हमें दिखाई देता है कि साइकिल की दुकान वाला साइकिल में हवा भर रहा है, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है और उसके गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। आगे चित्र में दिखाई देता है एक सब्जी वाली सब्जियां बेचने जा रही है, उसके बाद एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है, तोता एक डंडे पर बैठा हुआ है, सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। ये सारी क्रिया हमें चित्र में दिखाई दे रही है। उसके बाद बाइक के पीछे एक रिक्शा वाला है और उसमें एक यात्री बैठा हुआ है, रिक्शे के पीछे दो कार हैं और उसके बाद सड़क पर एक मोची बैठा हुआ है, वो भी अपने सामान के साथ बैठा हुआ है। ये सारे चित्र हमें किताब में दिखाई दे रहे हैं। तो आप सब चित्र को देखकर इस तरह से जो जो क्रियाएं हो रही है वो सारी लिख सकते हैं। इसके अलावा भी कोई क्रिया आपको दिखती है तो आप उसे लिख सकते हो। उसके बाद मन में कई प्रश्न होते हैं कि भाई गुब्बारे में हवा में क्यों उड़ रहे हैं, तो उसका उत्तर है कि गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उसमें गैस भरी हुई है। गैस हवा में ऊपर जाती है तो गुब्बारे में गैस भरी होने से गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। ट्यूब में हवा क्यों भरी जाती है? अब आप सब तो जानते हो, हम लोग साइकिल में, स्कूटर में, बस में, इन सभी चीजों में हवा भरते हैं। तो हवा क्यों भरते हैं? क्योंकि हवा भरने से वो चीज अच्छे से चलती है। हवा ना भरी हो तो वो चीज अच्छे से चलेगी नहीं, इसलिए हम किसी भी चीज में हवा भरते हैं। कुंजड़िन सब्जी वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? कुंजड़िन यानी सब्जी वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? तो हमें पता है हमारी गली मोहल्ले घरों के आसपास सब्जी वाली आती है, तो सब्जी वाली घरों के पास गली गली में घूमकर अपनी सब्जियां बेचती है। उसके बाद रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा हुआ है? तो रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है, तो अब ये प्रश्न तो ठीक है लेकिन उसे सवारी नहीं मिली होगी इसलिए रिक्शे में एक ही यात्री बैठा हुआ है। इस तरह से कई प्रश्न हमारे मन में आते हैं और हम उसे अच्छे से सोचकर उसे पूरा करते हैं। तो आपके चित्र में ये सारी गतिविधियां जो हो रही है वो हमने देखी हुई है। इसी तरह से आगे एक दूसरा चित्र भी है दिया हुआ जिसे आप लोग पूरा करो। आप सोचो कि उस दूसरे चित्र में क्या क्या हो रहा है, तो उस दूसरे चित्र में उस गतिविधियों को, उसमें होने वाली क्रियाओं को आप लिखो और उसे पूरा करो। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चित्र देख देख कर भी हम उसकी क्रियाओं को लिख सकते हैं और उसमें आने वाले प्रश्नों का भी निदान कर सकते हैं। हाँ, तो बच्चों आपने दूसरा चित्र देखा, दूसरे चित्र में क्या क्या क्रियाएं हो रही है वो आपने देखी, खुद बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार उस चित्र को देखकर उसमें क्या क्या क्रियाएं हो रही है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो दूसरे चित्र में टायर एक फट फट गया है, सब्जी वालों की सब्जी वाले की सब्जियां सारी बिखर गई है, डंडे पर बैठा हुआ तोता भी उड़ गया, सारे गुब्बारे इधर उधर उड़ने लगे हैं, मोची का सारा सामान इधर उधर हो गया है और वो सड़क पे आ गया है, कुत्ता जो
लेटा हुआ था वो इधर उधर भागने लगा है। तो हमने ये सारी क्रियाएं इस चित्र को देखकर सीखा कि भाई इस चित्र में अब क्या क्रियाएं हो रही है। तो पहले चित्र में सभी स्थिति अच्छे से चल रही थी, लेकिन जब टायर फटा उसके बाद की स्थिति कैसी थी ये सब हम चित्र में देख रहे हैं। और आप अच्छे से उस चित्र को देखो, आपको सारी स्थिति समझ आ जाएगी कि उस चित्र में क्या क्या हो रहा है। उसके बाद में रिक्शे वाला टकरा गया है, मोची रास्ते पर आ गया, ये सारी स्थिति अब हमें समझ में आ गई है। तो दूसरा चित्र देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कुछ अजीब होने पर कैसी स्थिति हो जाती है, एकदम भगदड़ मच जाती है और सभी कुछ यहाँ से वहाँ यानी कि अस्त व्यस्त हो जाता है। हाँ, तो बच्चों चित्र देखने के बाद में इसके बाद में हमें मन में कई प्रश्न आते हैं कि ये टायर क्यों फटा। तो टायर में अधिक हवा भर जाने के कारण टायर फट गया और ऐसी गंभीर परिस्थितियां उपलब्ध हो गई कि सभी कुछ अस्त व्यस्त हो गया। दूसरा प्रश्न है कि रबर से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो रबर से गेंद, फुटबॉल, तरह तरह के बॉल वगैरह और स्लीपर्स यानी कि चप्पल, ये सब रबर से बनता है। इसके बाद अगर टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ ये भी मन में प्रश्न आता है। तो टायर फटने के बाद में मैंने आपको सारी परिस्थितियां बताई कि टायर फटने के बाद सब्जी वाले की सब्जियां इधर उधर हो गई, टोकरे में से सारी सब्जियां गिर पड़ी हैं, मोची का सामान इधर उधर हो गया है, कुत्ता दौड़ने लग गया है, तो हर चीज अस्त व्यस्त हो गई है। तो इस पार्ट से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, चित्र देख कर भी हम सारी परिस्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं और उसके आधार पर कई प्रश्न जो मन में उठते हैं उसके जवाब भी आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से आप कई चित्र देख के कई और अलग अलग नए चित्र देख देख के आप लोग अपने उसकी क्रियाएं लिखें और उस तरह से मन में प्रश्नों के हल ढूंढें। यह है इस पाठ से समझ आता है।